ब्रह्मांडनायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साई नमो नमः हरिओम साई नमो नमः। और समोसा प्रसाद वाला अच्छा होता है कि पैसे वाला? प्रसाद वाला ना। बोला साईनाथ महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। निरंतर इनको देख रहे हैं काफी सालों से कि भैया हमारे पालकी को और भी आगे तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं बाबा इनकी हर मनोकामना पूरी करें। ओम साईनाथ। अरे साथ में तुम जय बाबा की। जय बाबा की। मैं जब छोटे थे तब से भाई हमें देख रहे हैं, आज हमको यहाँ पे मिले बाबा की पालकी में, कैसा लग रहा है हमको देख के? अच्छा लग रहा है। बिटिया का नाम क्या है? शिवन्या। शिवन्या भैया बाबा ब्लेस करे और अच्छी करे से पढ़ाई करे आगे बढ़े। आपको बता है लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको दिखाई थी नवाबगंज की बाबा की पालकी, और उसके पहले हम लोगों ने दिखाई थी दर्शनपुरवा के बाबा की पालकी। आज हम लोग खड़े हैं चुन्नीगंज के साईं बाबा की पालकी में। जस्ट पीछे बाबा का मंदिर है और बगल में हमारे बाबा की पालकी है। बस कुछ मिनटों में बाबा की पालकी प्रस्थान करने वाली है अपने मार्ग की ओर। ये पूरा मेन गेट है और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भंडारे की तैयारी चल रही है और यहाँ पे प्रसाद बट रहा है, ठीक है, भक्तगण जितने भी है बाबा का सेवा करते हुए। और ये देखिए दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि ये हनुमान मंदिर जो है 200 साल पुराना है और आज बाबा की 9वीं स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष पर बाबा की पालकी का आयोजन किया गया है। बस चंद मिनटों में बाबा की पालकी प्रस्थान करेगी अपने मार्ग की ओर, आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। आप पीछे देख सकते हैं, इसे बाबा का मेन गेट है और इस टाइम लोग खड़े हुए हैं चुन्नीगंज बाबा के मंदिर। बने रहिए हमारे चैनल में, जैसा कि होता आपको सब बताते हैं। टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और साईं भक्त बैठे हैं बिल्कुल झंडा वंडा लिए बाबा के, क्या झंडे में दिखाओ बेटा सबको, पूरा खोल के दिखाओ क्या लिखा है। ओम साईं राम निकालना, ये देखिए दोस्तों, ओम साईं राम, ठीक है। गुड, क्या नाम है भैया आप लोगों? क्या मेरा नाम आकाश है। आकाश? मेरा नाम अमन है। आपका नाम अमन है, आपका भाई? करण। करण, और आपका भाई का नाम शुभम भाई, और छोटू भाई आपका? सत्यम। आपका तिलक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल जोश में हो आप लोग। ओम साईं राम भैया। माता की आरती होने जा रही है, सब लोग बाबा के पास आ जाएं। Aarti Sai Baba, 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 Aarti Sai Baba
26 अप्रैल 2 साल हो जाएंगे, 2 साल 1823 का मंदिर है, 26 अप्रैल 1823 का। अच्छा 1823 का। हाँ, सुबेदार सिंह ने इसको बनाया है, स्थापना की है सुबेदार सिंह। हाँ, जवाहर सिंह सुबेदार। मंदिर जो है 200 साल पुराना है और श्री जवाहर सिंह सुबेदार की आज हमें भी दर्शन करने को मिल गए हैं, जो कि 200 साल पुराना है। और जस्ट बगल में काली माता जी का मंदिर है। दोस्तों फाइनली आरती हो चुकी है बाबा के मंदिर की और आप पीछे देख सकते हैं भक्तों का जमावड़ा। ठीक है, बस चंद मिनटों में बाबा की पालकी प्रस्थान करेगी अपने मार्ग की ओर और यही दिखाना चाहते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, बाबा के भक्तगण कितने जोशोल्लास की तरीके से कि अब भैया पालकी का सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट पालकी निकले और हम लोग अपना जश्न की ओर से निकले। ठीक है, जय जय
साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, हेलो बाय बाय भैया सायरा भैया अरे और अच्छा बढ़िया भैया सब बढ़िया। मिनट रुकिए आराम से रुकिए ठीक है। कुछ सब्र भी होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बस 10 मिनट और रुकिए, बस बाबा की पालकी प्रस्थान करेगी चंद मिनटों में। इस समय हम लोग चुन्नीगंज कानपुर से लाइव है। आगे की अपडेट्स पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइव में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एंड अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं बाबा के मंदिर में इतना जमावड़ा लगा हुआ है भक्तों का। हर्षोल्लास के तरीके इस साल भी पालकी का आयोजन किया गया है। भाई लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए और माथे पे तिलक लगाते हुए। भाई क्या नाम है आपका? वरुण। भाई थोड़ी तेज बोलो यार, कैसे धीमी धीमी आवाज है। तेज बोलो, तिलक लगा। क्या है प्रसाद में? अरे आय हाय मजा आ गई भाई। और आपका नाम क्या है भाई? अर्जुन। अर्जुन आपका भाई? अभिषेक। ऐसे प्यार से बोलोगे अभिषेक, व्हाट यार। भाई आपका क्या नाम है? मनोज। आय हाय आपका भाई? सूर्या। अरे भैया गजब। और ये हमारी प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल सख्ती से और बाबा की पालकी को अच्छी तरीके से निकालने का प्रशासन व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बस चंद मिनटों में बाबा की पालकी निकलने वाली है, ठीक है। बस चंद मिनटों में बाबा की पालकी प्रस्थान करेगी। 10 मिनट बस, 10 मिनट बस, मात्र 10 मिनट। बाबा की पालकी की पूजा का समापन हो गया है, ठीक है। बस पालकी की, बाबा की पालकी। अरे अड़िया अड़िया इस समय हम लोग चुन्नीगंज कानपुर से लाइव है और बाबा की पालकी उठ चुकी है बाबा के मंदिर से और अपने प्रस्थान की ओर निकलते हुए। ये देखिए दोस्तों, इस समय लाइव है हम लोग चुन्नीगंज कानपुर से और बाबा की पालकी उठ चुकी है फाइनली। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग लाइव है चुन्नीगंज कानपुर से और बाबा की पालकी उठ चुकी है फाइनली और अपने प्रस्थान की ओर निकल चुकी है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। यही कहना चाहेंगे कि जो भक्त है, ठीक है, भक्तों का हुजूम आप देखिए, साई बोलने से मन को, ओम बोलने से मन को शांति मिलती है, साई बोलने से मन को शक्ति मिलती है और राम बोलने से मन को मुक्ति मिलती है। आगे की अपडेट मिलती रहेगी आपको।
भाई देखिए दोस्तों, डीजे का भी सिस्टम है और भक्तगढ़ फुल लगे हैं। हेलो हेलो, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः। बाबा की हर पालकी में आते हैं, जैसे कि आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इस समय हम लोग सुंदरगंज कानपुर से लाइव है। आगे की अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश अक्षना ब्लॉग्स पे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और ओम साई राम। ओम बोलने से मन को शांति मिलती है, साई बोलने से मन को शक्ति मिलती है, और राम बोलने से मन को मुक्ति मिलती है। ओम साई राम, सारे बोलो जय बाबा की, सब मिलकर बोलो जय बाबा, जयकारे लगा लो जय बाबा की, आ गए बाबा बाबा, तुम दर्शन कर लो बाबा, शिरडी में रहते बाबा की बोलियां भरते, जय बाबा की, भरे दयालु जय बाबा की, साईं बाबा अरे आओ आओ, बाबा की भक्तों तुम आओ, बाबा की आ जाता है, जय बाबा की आ जाता है, साईं राम शांति देखो, जय बाबा की है, जय बाबा की आई बोली, जय बाबा की भर देते हैं, जय बाबा की संगत बोले, जय बाबा की हम भी बोले, जय बाबा की तुम भी बोले, जय बाबा की धरती बोले, जय बाबा की आकाश भी बोले, जय बाबा की ये दशो दिशाएं बाबा की तारा लगाए, जरा झूम के बोलो, जरा बोलो बोलो, बाबा ये कष्ट तारे बाबा की, रब को तारे जय बाबा, ये बड़े दयालु जय बाबा की, मेरे साईं बाबा अरे आओ आओ, भक्तों तुम आओ, जय बाबा की आ जाता है, जय बाबा की आ जाता है, जय बाबा की जरा मांग के देखो, जय बाबा की जय बाबा की। देखिए दोस्तों, पालकी की पूजा होते हुए और कैसे होती है हमारे संस्कृति में, आप ये भी देख सकते हैं पालकी की पूजा कैसे करते हैं, और भक्त पालकी की पूजा करते हुए आप भीड़ का जमावड़ा देख सकते हैं, कितने लोग श्रद्धा सबूरी। तो मन में आप लोग श्रद्धा और सबूरी का पाठ जरूर रखिए, बिकॉज जब तक श्रद्धा नहीं होगी और सबूरी नहीं होगी, लाइफ में आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और भीड़ आप देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे बाबा जी श्रद्धा के लिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ने बताया कि ओम साई राम,
ओम बोलने से मन को शांति मिलती है, साई बोलने से मन को शक्ति मिलती है और राम बोलने से मन को मुक्ति मिलती है। तो बोलिए ओम साई राम। कानपुर से लाइव है, भक्तों का जमावड़ा, देख सकते हैं कितने लोग हैं। एक जगह यहाँ पे पूजा हो रही है बाबा की पालकी की, दूसरी जगह भक्त इंतजार करते हुए कब पालकी प्रस्थान करेगी अपने मार्ग की और आगे की अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए। अरे तुम जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, कारा लगाए जय बाबा की, जरा झूम के बोलो जय बाबा की, जरा बोलो ये कष्ट निवारे जय बाबा की, ये सब बोलाए ये बड़े दयालु मेरे साई बाबा, अरे आओ आओ भक्तों तुम आओ, जो आ जाता है वो पा जाता है। यही आपको दिखाने के लेके आए थे कि जैसे कि हम लोग पहले नवाबगंज की बाबा की पालकी लेके दिखाई थी, इस टाइम हम लोग आपको चुन्नीगंज के बाबा की पालकी दिखा रहे हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। शिरडी में रहते जय बाबा की, हरे आओ आओ भक्तों तुम आओ, जो आ जाता है वो पा जाता है। जय बाबा की, जरा मान के देखो जय बाबा, ये दे देते हैं ये खाली झोली भर देती है, शिरडी में रहते सबकी झोलियां भरते, ये बड़े दयालु मेरे साईं बाबा। और अपनी प्रशासन व्यवस्था को भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अच्छी तरीके से इंतजाम किया और आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, हेलो, और आप भीड़ का जमावड़ा देख सकते हैं, इसलिए हमने आपको पीछे से दिखाने के लिए पहले सोचा, आगे से दिखा ही चुके थे, अब हम लोग आपको पीछे से दिखाने चाह रहे हैं। सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः। और एक भक्त और आए हैं जो पालकी की पूजा करते हुए प्रसाद चढ़ाते हुए बाबा की पालकी पे। हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई। आओ जो हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम। नंगे पैर दोस्तों बाबा के भक्त चलते हुए, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सतगुरु साई नमो नमः, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सतगुरु साई नमो नमः, हरि ओम
साई नमो शिरडी साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सतगुरु साई नमो नमः हरि ओम साई नमो नमः शिरडी साई नमो नमः जय जय साई नमः सतगुरु साई नमो नमः हरि ओम साई बेटा आगे देख लिया करो यार सॉरी नमो नमः जय जय साई नमो नमः सतगुरु साई नमो नमः हरि ओम साई नमो नमः शिरडी साई नमो नमः पद यात्रा चल रही है और इस समय आधा किलोमीटर के सफर हो चुका है। साथ में सब लोग बाबा का जयकारा लगाते हुए पीछे आप लोग देख सकते हैं बाबा की पालकी, ठीक है, और हर चीज आपको दिखाएंगे और यहाँ से कितने किलोमीटर है कितने स्टेप चलाए वो ही बताएंगे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। भजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, भजन ओम साई राम। मित्रों, आप लोग सोच रहे होंगे कि साई बाबा के भजन की आवाज़ कैसे बंद हो गई, मेरी कैसे स्टार्ट हो गई, तो आपको बताना चाहते हैं कि पूरे बाबा की पालकी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। यश सक्सेना शॉर्ट्स के नाम चैनल है और उसमें पूरी आपको साई बाबा की पालकी मिल जाएगी। और चुन्नीगंज साई बाबा की पालकी की जो वीडियो है बहुत मनोरंजन उत्साह भयंकर मजे तरीके से हम लोगों ने इंजॉय किया और प्लीज़ आप लोग शेयर करिए वीडियो। चुन्नीगंज साईं मंदिर 9वीं स्थापना दिवस के तहत बाबा की पालकी निकाली गई श्री शरद श्रीवास्तव जी के द्वारा और उनकी कमेटी के द्वारा, और दोस्तों इतने अच्छी तरीके से आयोजन किया कि पूछिए मत। इसलिए दोस्तों हम लोगों ने पूरी पालकी की वीडियो डाली है, एक घंटे की मतलब पौन घंटे की इसमें है और दूसरी यशना शॉर्ट्स में डेढ़ घंटे की बाबा की पालकी की है। दोस्तों इस समय हम लोग सूटरगंज आए हुए हैं, 1:15 का टाइम हो रहा है, ठीक है, मुश्किल से हम लोगों ने 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। देखिए दोस्तों बाबा की पालकी की पूजा होने के लिए शायद यहीं पर आइए, ठीक है, आइए देखते दोस्तों बाबा की पालकी का पूजन हो रहा है और एक स्थान देने के बाद यहाँ पे आरती होगी। क्या नाम है आपका, क्या नाम है, साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों बाबा के भक्त, ठीक है, बस बाबा की पालकी को देखने के लिए तत्पर है और आप भीड़ देख सकते हैं, आधी से ज़्यादा भीड़ तो यहाँ पे है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अंदर पूजा हो रही है, ठीक है, बाबा की पालकी की पूजा होते हुए। और इस समय हम लोग सर शूटरगंज में हैं, 1:20 का टाइम चल रहा है और आप देखिए जैसे पालकी की पूजा समाप्त होती है वैसे फिर पालकी अपने प्रस्थान करेगी, ठीक है, और यही आपको बताना चाहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश सक्सेना ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे यश भैया है जो सोशल मीडिया के द्वारा इस पालकी को बहुत एक तरीके से आकर्षित करते हैं और लोगों को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं कि इस पालकी को लेकर भव्य, ये तक इन्होंने भी क्या बोलते हैं 25वीं पालकी हुई है नवाबगंज की, वहाँ को लेकर इन्होंने खूब ही अच्छा लोग आकर्षित किया, लोगों तक पहुँचाया, पहले दिन के प्रोग्राम से लेकर आखिरी दिन के प्रोग्राम तक ये लगे रहे हमारे साथ। और भी अब ये चुन्नीगंज की पालकी है, इसके साथ अभी हमारे पालकी होने वाली है कुछ दिनों में गुमटी की, वहाँ भी ये लगे रहते हैं, हम निरंतर इनको देख रहे हैं काफ़ी सालों से कि भैया हमारे पालकी को और भी आगे तक पहुँचा रहे हैं, हम चाहते हैं बाबा इनकी हर मनोकामना पूरी करें। ओम साईं राम। दोस्तों पालकी की पदयात्रा अगेन से स्टार्ट होने वाली है, इस समय बज रहे हैं 1:20, 5 मिनट में पालकी की पूजा हो गई है और यहाँ पे आप भंडारा देख सकते हैं, समोसे की लूट स्टार्ट हो गई है, ठीक है, भाई लोग भैया लोग जितने भी है समोसे की लूट स्टार्ट हो चुकी है,
अब जिसके भाग्य में समोसा आता है उसी को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, ठीक है। और समोसा प्रसाद वाला अच्छा होता है कि पैसे वाला? प्रसाद वाला ना। बोला साईनाथ महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है भैया, शुक्रिया भैया। हाँ भैया, वो खुल रहा है ना वो। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा का प्रसाद भले समोसा हो, लेकिन भक्तों का हुजूम देखिए आप, कि एक समोसा मिले बिकॉज मिठास जो होती है ना प्रसाद के रूप में, वो किसी में मुझे नहीं लगता होगी, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पालकी की पूजा का समापन हो चुका है, ठीक है, भक्तगण प्रसाद लेते हुए, और यहाँ पे साई सेवक अपनी सेवा देते हुए उनके भक्तों को। आगे की अपडेट्स पाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लाल वाला बटन दबाना है और आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ये देखिए दोस्तों, और ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। कैसे हो भाई, सही हो? लेकिन ये बंदा जवान अब तक है, है? हम बूढ़े हो गए लेकिन ये जवान है, सही ना समझ। बाबा का प्रसाद हमें मिल गया है, ठीक है, ये जन्नत है भाई। और इससे अच्छा प्रसाद मुझे नहीं लगता कि प्रसाद वाला जो खाना होता है ना, जरा सा आप एक पूरी भी खा लो पेट भर जाता है, लेकिन घर में आपका पेट नहीं भरता। आप अतीम, क्या नाम है? महावीर। महावीर भाई नाम है। जब हम छोटे थे तब से भाई हमें देख रहे, आज हमको यहाँ पे मिले बाबा की पालकी में, कैसा लग रहा है हमको देख के? अच्छा लग रहा है। कितने थे छोटे हम? कितने छोटे थे तब देखा था हमको? बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे ना। देखो इनके सफ़ेद बाल आ गए, ठीक है। सबसे बड़े सर इनका सर है, सबसे बड़ा सर इनका है। इनकी टोपी नहीं आती है, भाषाली है। इसको कोई भी रख लेंगे उनकी दुकान चलने लगेगी। अब पालकी दोस्तों उड़ चुकी है, ठीक है, अपने और प्रस्थान कर चुकी है मार्ग की ओर। दोस्तों ये तो सिर्फ आप झांकी देख रहे हैं, अगर पूरा खेल देखना है तो यश सक्सेना शॉर्ट्स में आप जाइए और बाबा की पालकी की पूरी वीडियो देखिए। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइबर मिल चुके हैं भाई, क्या नाम है आपका? विकास। विकास, और आपने कहाँ देखा था? मैं गीता पार्क। गीता पार्क, गीता पार्क रामलीला जो बहुत टॉप पे चली गई है, और बस आप लोगों के आशीर्वाद से। बिटिया का नाम क्या है? शिवन्या। शिवन्या, भैया बाबा ब्लेस करे और अच्छी करे से पढ़ाई करे, आगे बढ़े, और बोलो साईनाथ महाराज की जय। और ये देखिए दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्या क्या नाम है बेटा आप लोगों का? यश शर्मा। यश शर्मा, नैतिक वर्मा, अनुराग, अनमोल वर्मा, ओम शर्मा, सब शर्मा 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 वर्मा शर्मा वर्मा, लेकिन बोलो ओम सायरा। जय। और बाबा सबको ब्लेस करे अपने अपने फ्यूचर में आगे बढ़े, ठीक है। जय बाकी। इंटर में अच्छे नंबर है। इंटर में अच्छे नंबर, कितने परसेंटेज चाहिए? 70 के ऊपर ही चाहिए। अरे भैया 90 के ऊपर लो बेटा, है 90 मांगूंगे तो बाबा सस्ती दे देंगे। 20 मिनट्स बाबा की पालकी फिर प्रस्थान कर चुकी है अपने मार्ग की ओर। ये माता रानी जी का मंदिर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाल वाला बटन ना दबा के ठोक देना, बिकॉज जब तक आप लाल वाला बटन नहीं दबाएंगे हमारी के अंदर जो शक्ति है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और आपको पता है कि हमारी जो शक्ति है रणवीर सिंह जैसी है, कभी मुझे थकना नहीं है, बस आगे बढ़ता रहना, बिकॉज बाबा का हाथ जिस पे है वो आगे बढ़ता रहता है और आप लोगों का आशीर्वाद जिस पे है वो आगे बढ़ता रहता है। आप लोगों ने हमेशा हमको सपोर्ट किया है, इस बार भी सपोर्ट करिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि पूरे इंडिया में फैल जाए। और ये बाबा की पालकी है पीछे, पूरी तरीके से बाबा की भक्त लोग आराम से एंजॉय करते हुए बाबा की पालकी का मनोरंजन लेते हुए भक्तगण प्रसाद लेते हुए, और बस कुछ मिनटों में, 5 मिनटों में बाबा की पालकी फिर प्रस्थान करेगी चुन्नीगंज की ओर। ओम साई राम। दोस्तों एक तरफ है मेट्रो, ठीक है, ऊपर मेट्रो चल रही है, ठीक है, ये मोतीझील चौराहा है, ठीक, और ये है बाबा की पालकी। बस 5 मिनट और बस हम लोग निकलते हैं चुन्नीगंज की ओर और फिर भंडारा खाते हैं, और अपनी यूपी पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं, इतनी अच्छी तरीके से बाबा का आयोजन जो है सफलतापूर्वक सिर्फ यूपी पुलिस की वजह से हो पाया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं।
आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। तो लाल वाला बटन ठोक के दाबो, ठोक के दाबो, ठोक के दाबो। दोस्तों आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, हमेशा अपने बच्चे ऐसा प्यार दिया है, तो इस बच्चे को एक बार फिर प्यार दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पूरा हिंदुस्तान देखे, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। ओम साई राम। 4:15 और ये देखिए दोस्तों, और अगर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और मने रहिए। बोलो साईनाथ महाराज की। दोस्तों जैसे कि आपको हम लोगों ने पूरी पालकी का आयोजन दिखा दिया है और यहाँ पे बाबा का भंडारा तैयार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश शर्मा ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और ऐसे प्यार देते रहिए। ओम साई राम। दोस्तों बाबा का भंडारा स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और भक्तों का हुजूम देखिए आप, ठीक है। और मेरा क्या कहते हैं फेवरेट पूरी सब्जी, ठीक है, जो घर से भी ज़्यादा मुझे प्रसाद के रूप में जो अमृत दिखता है वो कहीं नहीं दिखता है। आप भी एग्री करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना तो लाइक का बटन ज़रूर ठोक दो। और देखिए दोस्तों सब्जी देखिए, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गई भाई, ठीक है। और आपको हम दिखाएंगे भी, और ये देखिए दोस्तों भक्तगण जितने हैं सब पूरी सब्जी का आनंद लेते हुए और अपनी पूरी भी दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरी पूरी सब्जी, और बस बाबा से आशीर्वाद लेते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को सफलता दे और आगे बढ़ाए। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आपको बताना चाहेंगे कि अब हम लोगों का बाबा का जो पालकी का समापन हो चुका है और हमको भी सम्मान किया गया है श्री शरद श्रीवास्तव जी के द्वारा, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और अब भंडारा चल रहा है, ठीक है, अभी भंडारा चल रहा है अंदर, और जैसे ही होता है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और हम लोग निकलते हैं, ब्लॉग एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश सेना ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और अगर सच्चे साईं भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, और जरे बढ़िया तरीके से भक्ति आपके अंदर है अगर दिल में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हर जगह वायरल करिए वीडियो, पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए वीडियो, और बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ठीक। और बस बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। ओम साई। क्या नाम है भाई? कृष्णा दीक्षित। और ये कृष्णा दीक्षित जी हैं, कहाँ रहते हैं आप? ये बगली में। अच्छा अच्छा, कितने क्या कौन सी पढ़ाई? 9th क्लास में है। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई करो, बाबा की ब्लेसिंग आप पे भी रहे। ओम साई राम। और सब्सक्राइब करना ना भूले।